हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट तीन चार वीडियो में कंटिन्यूअसली मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 11,200 का टारगेट है निफ्टी के लिए एंड 23,000 का टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपने मेरा लास्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट का वीडियो देख लेना पहले। मैंने क्लियरली बताया था, इनफैक्ट मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया था 10,900 के आसपास ही, कि 11,200 के टारगेट है। बैंक निफ्टी जब 22,000 था तभी मैंने आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी का 23,000 टारगेट है। आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो तो आपको समझ में आएगा। अब एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कहां तक निफ्टी जा सकता है। सो निफ्टी मैंने आपको जो टारगेट दिया था वो तो टारगेट अचीव हो चुका है 11,200 का। अब अगर आप देखो स्क्रीन पे तो यहाँ ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो गैप रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर एक गैप है। तो हो सकता है निफ्टी यहां तक टच करे 11,340-350 था और उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिले। सो यहां से मुझे लगता है और 100-150 पॉइंट का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अगर डिप मिलता है तो इंट्राडे में 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए 11,340-11,350 के टारगेट्स के लिए। बट वहां पर आप लॉन्ग पोजिशन एग्जिट कर देना क्योंकि वहां पर गैप रेजिस्टेंस है। सो पॉसिबल है वहां से एक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था 23,000 का टारगेट है, ये भी ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास ही है। हो सकता है यहाँ से 23,500 के लेवल्स एक बार रिटेस्ट हो जाए, 400-500 पॉइंट का और हमें अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा बाय रहेगा कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है तो। 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करना एंड 23,500 के टारगेट के लिए। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मार्केट साइकोलॉजी कुछ समझाता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय दिया था, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल मैं प्राइस ले रहा हूँ कि मैंने 856 पे आपको बाई दिया, ठीक है, और अगर नेक्स्ट डे खुला ही सीधा 885, नेक्स्ट डे खुला ही ओपनिंग प्राइस इज 885, ये ओपनिंग आपके फर्स्ट टारगेट प्राइस पे हुआ है, करेक्ट। सो इज इट प्राइजेस आपके प्लान के हिसाब से ओपन हुआ है? नहीं, आपने जो प्लान किया था इवनिंग में, हम जो प्लान कर रहे हैं वीडियो में, उसके हिसाब से ओपन नहीं हुआ प्राइजेस, डायरेक्टली आपके टारगेट प्राइस पे ओपन हुआ है। टारगेट प्राइस पे अगर स्टॉक ओपन हुआ है तो आप उसको बाय इनिशिएट करोगे या नहीं करोगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, हम लोग ये ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली ओपन हुआ ही नहीं, ठीक है। सो हमारा प्लान ये था कि 856 के ऊपर बाय करना है, और अगर खुला ही सीधा फर्स्ट टारगेट पे या टारगेट के आसपास ओपनिंग हुआ है तो वो ट्रेड को हम क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे। सेम वे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको SRF दे रहा हूँ सेल ट्रेड, और नेक्स्ट डे खुला ही सीधा 3765, ठीक है, तो ये मेरे टारगेट पे ही खुला है, ठीक है। सो टारगेट पे अगर खुला है या टारगेट के अराउंड ही सीधा प्राइस ओपन होता है गैप डाउन में, तो वो ट्रेड भी आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। मैंने जो ट्रेड दिए थे लास्ट वीडियो में उसमें दोनों ट्रेड मैंने अवॉइड किए, अडानी पोर्ट भी मैंने अवॉइड किया। क्यों किया मैं आपको समझाता हूँ। 15 मिनट चार्ट ओपन मैंने किया है, अडानी पोर्ट भी मैंने आपको बाय दिया था, वो मैंने अवॉइड किया। क्यों किया है? क्योंकि 9:15 का कैंडल है, ठीक है, ये 9:15 का कैंडल आप देख सकते हो, 9:15 का कैंडल ही डायरेक्टली ओपन हुआ है 325 पे, आप देख सकते हो, ठीक है, क्लोज हुआ है 325 पे। यानी मेरा जो टारगेट था वो टारगेट के आसपास ही अगर ओपन हुआ है तो मैं इसमें ट्रेड लूंगा? नहीं लूंगा, इसको क्या कर दूंगा? मैं अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने एक प्लान किया है, अगर वो प्लान के अकॉर्डिंगली स्टॉक ओपन होता है, हमारे लेवल्स के हिसाब से ओपन होता है, तो ही हमें ट्रेड लेना है। अगर कुछ बड़ा गैप अप या कुछ बड़ा गैप डाउन होता है तो वो ट्रेड को आपको क्या कर देना है? सिंपल अवॉइड कर देना है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी सेम केस था, आप देख सकते हो मैंने आपको 1285 का टारगेट दिया था और ओपन ही है 1287 पे हुआ है, 915 का कैंडल ही, ठीक है। तो अगर ओपन ही इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़े गैप अप पे हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए इसमें? आपको ये ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस है वो आपके टारगेट के अराउंड ओपन हुआ है, ठीक है। तो जो स्टॉक ओपन हुआ आपके प्लान के अकॉर्डिंगली ओपन नहीं हुआ तो हम वो स्टॉक को क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे। इंडिगो 960 के आसपास मैंने सेल दिया था, ये 964 के आसपास क्लोज हुआ है, तो इसमें 3-4 रुपए का लॉस हुआ है, तो एक छोटा लॉस हुआ है, स्मॉल लॉस है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अडानी बोट मैंने कम्प्लीटली ट्रेड को अवॉइड कर दिया। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन में कौन से स्टॉक पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा SRF। SRF अगर आप देख सकते हो यहाँ से, मुझे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोज हुआ है, ये देख सकते हो, ये देखो 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, करेक्ट, ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन के अराउंड ही क्लोज हुआ है। अगर यहाँ से टूटता है, यहाँ से गिरना चालू होता है, तो एक 50-60 रुपए का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है।
तो SRF काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। स्ट्रक्चर काफी वीक है क्योंकि यहाँ से ये ऊपर जरूर गया, ये बड़ा कैंडल के बाद ऊपर जरूर गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है। यानी क्या हो रहा है कि बायर्स जो है उनका कंट्रोल क्या हो रहा है, प्राइस से छूटते जा रहा है। ये आपका मारू बोजू कैंडल है, ठीक है, उसके ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ प्राइस, एंड वापस सेलर्स ने कंट्रोल लिया है। अब सेलर्स ने कंट्रोल लिया इट मीन्स व्हाट, प्राइजेस नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। डाबर आप देख सकते हो, डाबर में भी अगर आप देखो ये एक बड़ा कैंडल था, ग्रीन कैंडल था, ठीक है, और आप देख सकते हो ये 4-5 दिन के रेंज से निकला था, ब्रेकआउट दिया था इसने, लेकिन आज वापस सेलर्स ने क्या किया, प्राइजेस को नीचे खींच लिया है। अब अगर ये लेवल टूटता है जिस लेवल से ये ब्रेकआउट दिया, अगर ये लेवल टूटता है तो इसमें भी एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो डाबर काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा ACC। ACC स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, आज इसका रिजल्ट था, थोड़ा सा गैप फिलिंग करने आया है ये प्राइस, लेकिन अगर 1400 के ऊपर वापस निकलता है तो एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। सो ACC काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एक और मैंने बात नोटिस की है कि जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए लोग चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और वो लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मैं जो भी ट्रेड करूंगा या मैं आपको जो भी ट्रेड दूंगा उसमें डायरेक्टली प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। सो ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि जो जो आपने पहला ट्रेड लिया वही लॉस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक दो ट्रेड के हिसाब से सामने वाले को जज नहीं कर सकते आप कि वो ट्रेडर है या नहीं है। अगर आपको जानना है कि मैं ट्रेडर हूं या नहीं हूं, या मेरे कॉल्स चलते हैं या नहीं चलते हैं, तो आप एटलीस्ट मेरा 15 दिन चैनल फॉलो करो, ठीक है, ट्रेड मत लो, 15 दिन आप चैनल फॉलो करो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि मेरे लेवल्स कैसे चलते हैं, मैं किस फॉर्मेट में ट्रेड दे रहा हूँ और क्या लेवल के हिसाब से मेरे कॉल्स में प्रॉफिट आता है। जो लोग पुराने हैं, जो ऑलरेडी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छे से पता है कि कैसे मेरे ट्रेड चलते हैं और कैसे प्रॉफिट्स आते हैं। 7-8 दिन में एक बार एक दिन ऐसा बैड डे आता है जिसमें मैंने 3 ट्रेड दिए तो 2 स्टॉप लॉस भी होते हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि 7-8 दिन में अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेड दे रहे हो तो हो सकता है 1 या 2 दिन आपका उसमें कॉल्स ना चले, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली आप जज मत करो, एक खाली एक वीडियो के बेस पे या 2-3 कॉल के बेस पे आप जज मत करो सामने वालों को कि वो ट्रेडर है या नहीं है। और कई लोग मैंने देखा यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों को एजम्पशंस बहुत जल्दी करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सारे यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। अगर आप लेट से किसी दूसरे चैनल पे जाते हो, थंबनेल अगर अच्छा है, अट्रैक्टिव है, सामने वाला एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा है, बोल रहा अच्छे से है, भले वो कुछ भी टॉपिक पे वीडियो बना रहा है, आप एज्यूम कर लेते हो कि वो ट्रेडर अच्छा है, ठीक है। आप ये गलती मत करो, क्योंकि RSI के ऊपर वीडियो बनाना बहुत आसान है लेकिन एक्चुअल ट्रेड लेके प्रॉफिट करना अलग बात हो जाती है, ठीक है। मैं आपको चैनल पे, मेरे चैनल पे एक्चुअल ट्रेड दे रहा हूँ और आपको एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 10 वीडियो RSI के मैं भी बना सकता हूँ, 10 वीडियो MACD के मैं भी बना सकता हूँ, और उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ प्रॉफिट नहीं आने वाला। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं सीखोगे, प्रैक्टिकली ट्रेड लेके पैसा कमाना नहीं सीखोगे, तब तक आपको वो, आप वीडियो कितने बार भी देखो, आपको कुछ प्रॉफिट नहीं आने वाला। तो आप डायरेक्टली थंबनेल देखकर या बोल एक्सप्लेन करने के स्टाइल से जज मत करो कि सामने वाला ट्रेडर है। आप जनरली कॉल्स को फॉलो करो, 15 से 20 दिन मेरे कॉल्स को फॉलो करो, फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।